जी जी आप बता देंगे भाभी जी, बात जी। आमर साहब वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस यानी कि इलेक्शन वगैरह हो गया, तो आपकी फैमिली में से कोई हिस्सा लेने के लिए जा रहा है इलेक्शन? वो कह रहे हैं कि वो जिस तरह इलेक्शन लड़ते थे आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल के बाद आमिर लियाकत हुसैन का बेटा अहमद आमर पहली बार लाइव आ गया। अहमद आमर के साथ बहन दुआ आमर और पहली बीवी बुशरा इकबाल भी। आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई पर बड़ा बयान सामने आ गया। आमिर लियाकत हुसैन का कातिल कौन निकला और अहमद आमर का क्या कहना है, इस वीडियो में देखेंगे। अहमद आमर पहली बार आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल के बाद अपने वकील के साथ पहली बार लाइव आकर क्या कहा, आप भी सुने। डॉक्टर आमिर लियाकत जो है उनके बेटे और बेटी की तरफ से जो यहाँ मौजूद है, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, दुआ हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक्स वाइफ फर्स्ट वाइफ जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पिटीशन इसलिए लगाई थी कि जो एकदम से एक नया सिलसिला शुरू हो गया था कि एक स्ट्रेंजर वो कोर्ट में गए हैं और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके उन्होंने ऑर्डर भी करवा लिया बॉडी एग्ज्यूम करवाने का, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी अगर किसी के मर्डर पर कोई शकू को शुबात हों, पुलिस ने ज़ाहिर की हों या फैमिली ने ज़ाहिर की हों, तब वो जाके उस लाश को निकाल के फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल के इतने दिनों बाद कब्र कुशाई का फैसला किया गया था, जिसके बाद अहमद आमर आज सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए थे और सिंध हाईकोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई रोक दी है, जिसकी तस्दीक वसीम बदामी भी कर चुके हैं।